अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे। आज हम मच्छी करी बनाने जा रहे हैं, जिसके लिए हमने आधा किलो मच्छी ली है। इसमें हमने ऑयल और नमक लगा, ऑयल और तेल इसमें लगा के रखा था हमने। 15 मिनट के बाद लगभग धो लिया है हमने इसको। अब इसको हम उबलते हुए पानी में थोड़ा सा डालेंगे, जिसमें हमने नींबू डाल के रखा है। इसमें हमने नींबू और नमक डाला है। अब इसमें हम मच्छी डालेंगे। बस इसको हम 1 से 1.5 मिनट तक पकाएंगे, इसमें उबालेंगे, ताकि इसकी जो विषाइन होती है, जो बदबू होती है, वो निकल जाए। स्मेल जो होती है सारी निकल जाएगी इसकी। फिर इसको फ्राई करेंगे। ये देखिए, हमने वहाँ से मछली निकाल ली है पानी से, तलेंगे। अब इसको हम फ्राई करेंगे। पानी हम नींबू निचोड़ रहे हैं थोड़ा सा ऊपर से। मच्छी हमारी फ्राई हो गई है, अब इनको निकाल लेंगे। ये देखिए, तेल हमारा हो गया। हमने मेथी डाल दी उसमें बघार के लिए। 1.5 चम्मच हम लहसुन अदरक का पेस्ट डाल रहे हैं। आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर ऐड कर रहे हैं। आधा चम्मच हल्दी डाल रहे हैं। 1/4 चम्मच डाल रहे हैं। 1/4 चम्मच गरम मसाला डाल रहे हैं। ये होममेड है, 7 मसाले मिक्स हैं इसमें। 2 बड़े चम्मच धनिया पाउडर डाल रहे हैं। 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर डाला है हमने। हल्का सा पानी ऐड करेंगे, ताकि ये मसाला जले ना। अब इसको अच्छे से भून लेंगे। हमारा मसाला आधा भून गया। टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड कर देंगे। मसाला हमारा भून गया, मछली ऐड करेंगे इसमें। तो सारी मछली हमारी ऐड हो चुकी है, थोड़ी फूट गई है थोड़ी सी। बहुत ही अच्छी और टेस्टी बनने वाली हैं मच्छी करी। अब ये लो फ्लेम पे लगभग 10 से 12 मिनट तक हम इनको पकाएंगे, ताकि ये लो फ्लेम पे बहुत अच्छी टेस्टी बने। अब थोड़ा सा हम पानी ऐड कर रहे हैं इसमें। ये देखिए, हमारी मच्छी तैयार हो गई है, पक गई हैं पूरी तरीके से। अब हम इनको उतार लेंगे।